मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा बरही गांव से 12 जनवरी को मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई थी, जहां शराब के नशे में धुत तीन वहशी दरिंदों ने सारी हैवानियत की हदें पार करते हुए एक मुकबधिर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद दरिंदों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी ताकि नाबालिग उन्हें पहचान न पाए। हालांकि इस दुष्कर्म मामले में मधुबनी पुलिस ने तीनों दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की फोरेंसिक जांच पड़ताल भी चल रही है। इसी बीच इस घटना के बाद लोगों ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, बढ़ रही शराब बिक्री पर रोक लगाने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शराब बिक्री को ही इस हैवानियत वाली घटना का मुख्य कारण बताया। शराब के कारण इस तरह की घटना हुई है, तो हमारी मांग है जो हरलाखी थाना क्षेत्र जो बॉर्डर से सटा हुआ थाना क्षेत्र है, वहाँ पे आए दिन शराब कारोबार लगातार बढ़ रहा है, उस पर रोक कब लगेगी? यदि उस पर रोक नहीं लगती है, आज एक घटना हुआ है, आने वाले दिनों में और घटनाएं हो सकती है, इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में पुलिसिया कानून व्यवस्था को असफल बताया। देखिए, जिस प्रकार से हरलाखी में घटना हुई है, हरलाखी में एक दिव्यांग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, और मामले की गंभीरता देखिए, यहाँ पे जब आप घटनास्थल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का बच्चा जान रहा है कि गांव में हर एक बस्ती में शराब बिकती है, और नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी कदम था शराबबंदी, उसकी धज्जियाँ उड़ रही है। हरलाखी थाना प्रभारी के दिशा निर्देश पर यहाँ शराब कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी जानकारी आपको गांव जाते ही मिलेगी। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यह जो कुकृत्य हुआ है, यह जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका मिथिला स्टूडेंट यूनियन कड़ा प्रतिकार करती है, और सांकेतिक रूप से आज हरलाखी थाना पर बैठकर आदरणीय हरलाखी थाना प्रभारी जी से यह मांग करती है कि दोषियों को उचित कार्रवाई के तहत दोषियों को फांसी की सजा हो। वहीं घंटों प्रदर्शन के बाद हरलाखी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुकबधिर दुष्कर्म मामले में वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत कठोर सजा दिलाने के लिए सभी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसे मैं अच्छे से काम करते रहूंगा और कभी आप लोगों को मतलब शिकायत का मौका नहीं देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारा काम है, जितने पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, पूछ सकते हैं आप सबको। मैं आते आते हिदायत करता हूँ, शराब से कोई समझौता नहीं, आप काम करें, हमको सूचना दीजिए। मेरा चौकीदार पदाधिकारी सब काम करता है, अभी हमको अपना जो आत्मविश्वास जी, वैसे तो गारंटी मैं किसी का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं सबको अभी तक मैं सब अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम आज भी पकड़ के लोगों को भेजे हैं, तब अनवरत हम लोग पकड़ते रहते हैं, जेल भेजते रहते हैं, फिर भी अब वहाँ से दो दिन चार दिन दस दिन में बेल होके चला आता है, छूट जाता है, फिर शुरू कर देता है, तो हम लोग काम कर रहे हैं। लू करने वाला बगल में आपके 20 किलोमीटर में बॉर्डर है जी, बॉर्डर है, ऑटोमेटिक है, जो कुछ ना कुछ तो लोग करता है, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुकबधिर दुष्कर्म मामले में लोगों के मांग और पुलिस के विरोध के बावजूद यह देखना होगा कि नाबालिग लड़की को कब तक न्याय मिल पाता है, और साथ ही साथ बिहार की पुलिस शराबबंदी में शराब के नशे में धुत दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को क्या सजा दिला पाती है।